नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी रेलवे रिक्शा स्टैंड से एसओजी टीम ने एक शख्स को देसी पिस्तौल के साथ दबोचा। सिलवासा नरोली रोड पर टेम्पो चालक ने क्रेटा कार को टक्कर मारते 3 लोगों का बचाव, जबकि टेम्पो चालक मौके से हुआ फरार। वलसाड में तंबाकू उधार देने से इनकार करने पर एक दुकानदार ने अपनी आंख गवाई। एक शख्स जो तंबाकू उधार लेने आया था, दुकानदार ने उसे उधार देने से मना करने पर और 2 अन्य लोगों के साथ आकर हथौड़े से दुकानदार की आंख फोड़ दी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी रेलवे रिक्शा स्टैंड से एसओजी टीम ने एक शख्स को देसी पिस्तौल के साथ दबोचा। वापी एसओजी टीम ने गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वापी रेलवे रिक्शा स्टैंड से यूपी निवासी शख्स को एक देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा और उसके खिलाफ वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और आगे की कार्यवाही की। वलसाड जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला के निर्देश अनुसार सूरत संभाग के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर की सूचना के आधार पर एसओजी टीम वापी क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तब प्राप्त सूचना के आधार पर ASI अशोक कुमार ने वापी रेलवे स्टेशन पर निगरानी लगा रखी थी। इसी बीच वर्णित संदिग्ध इसम खड़ा था और नाम पूछने पर उसने बताया कि वह अमरेश सत्यदेव मिश्रा है। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन और अवैध रूप से रखी गई एक देसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस ने उसे रोक लिया और 5,000 रुपये की पिस्तौल और मोबाइल फोन कुल मिलाकर 7,500 रुपये जब्त किए और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत वापी टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जाँच चालू है। सिलवासा नरोली रोड पर टेम्पो चालक ने क्रेटा कार को टक्कर मारते 3 लोगों का बचाव, जबकि टेम्पो चालक मौके से हुआ फरार। सिलवासा के नरोली रोड पर कार और टेम्पो के बीच टक्कर हुई। नरोली यात्री निवासी के पास रिंग रोड ब्रिज के नीचे क्रेटा कार नरोली रोड की ओर मुड़ रही थी, तभी सामने से फुल स्पीड में आ रहे टेम्पो चालक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। सौभाग्य से कार में सवार 3 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। हालांकि हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना करने के बाद टेम्पो चालक मौके से भाग गया। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच की है। वलसाड में तंबाकू उधार देने से इनकार करने पर एक दुकानदार ने अपनी आंख गवाई। एक शख्स जो तंबाकू उधार लेने आया था, दुकानदार ने उसे उधार देने से मना करने पर और 2 अन्य लोगों के साथ आकर हथौड़े से आंख फोड़ दी। वलसाड के धोबी तलाव इलाके के पास शालीमार अपार्टमेंट में रहने वाले जलालुद्दीन पिरखा खान की अनाज किराना दुकान धोबी तलाव इलाके में स्थित है। रात करीब 10 बजे धोबी तलाव इलाके में रहने वाले सरफराज शेख ने उनकी दुकान पर उधार में तम्बाकू मांगी। दुकानदार ने सरफराज शेख को उधार में तम्बाकू देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें दुकानदार की पत्नी ने मामला शांत कराया। लेकिन कुछ देर बाद सरफराज शेख अपने 2 दोस्तों के साथ दुकान पर दुकानदार के साथ फिर से झगड़ा करने लगे, जिसमें सरफराज ने दुकानदार जलालुद्दीन पिरखा खान की आंख हथौड़े से फोड़ दी। दुकानदार के बेटे अफजल खान को भी पीटा गया। इस घटना के बाद दुकानदार जलालुद्दीन पिरखा खान को इलाज के लिए वलसाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को सूचना दी गई। मेरा नाम अफजल खान है, जलालुद्दीन मेरे पापा का नाम है। दुकान पर उधार लेने के लिए सरफराज नाम था उसका, मैं दुकान पर उधार लेने के लिए आया तो पापा ने बोला उधार नहीं, क्योंकि आपके पहले के 500-600 रुपये बाकी है। तो फिर माँ बहन फिर ने गाली दिया, फिर देने के बाद फिर उसके बाद बोलने लगा रुक तेरी माँ, अब भी तेरे को बताता हूँ आके। मैं आया फिर उसके बाद ने फिर उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ लिया। मेरे को एक दो उसके साथ में 2 भाई भी थे उसके, और वो भी था, और उसने मेरे को उसके दोनों भाई ने पकड़ लिया। मेरे पापा को हथौड़ा मारा आँख पे, आँखी आँख डैमेज हो गई, आँख अब कोई काम की नहीं है। दिवाली के त्योहार के चलते पार्टी में पटाखों की बिक्री में मंदी का माहौल। पटाखा व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि दिवाली से 2 दिन पहले ग्राहक दिखेंगे। दिवाली नए साल के त्योहार में 2 दिन बचे होने के कारण पार्टी झील के किनारे पटाखों की दुकानें लग चुकी है। दिवाली के मौके पर बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए खास उत्साहित रहते हैं। पार्टी में विभिन्न प्रकार के पटाखे भी आ गए हैं। पटाखा व्यापारी ब्रिजेश राय और क्रिस कोड ने कहा
कि फिलहाल ग्राहकी में मंदी का माहौल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिवाली से एक दो दिन पहले पटाखे खरीदने के लिए ग्राहक नजर आएंगे। आजकल छोटे बच्चों के लिए पेंसिल, डोरिया, टन कटारा, रॉकेट, माचिस, पिस्तौल, बटरफ्लाई, विशेषकर पॉपअप की बहुत मांग है। इसके साथ ही कोठी, चकरडी आदि भारतीय आइटम्स आए हैं। पारडी झील के किनारे जय माता जी पटाखा स्टॉल, पार्थ पटाखा स्टॉल सहित विभिन्न स्टॉलों पर पटाखे रखे गए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने नगर निगम में देवी देवताओं की फोटो वाले पटाखे न बेचने की याचिका लगाई थी, जिससे देवी देवताओं वाले पटाखे नजर नहीं आए। मार्केट अत्यारे आज तो थोड़क ठंडू है, हवे लास्ट बे तीन दिवस मार्केट रही है दिवाड़ी में, ने वेरायटी तो बहु आए थे, मतलब आतशबाजी में, कोठी में, चक्करडी में घनी बड़ी वेरायटी हो ग्राहकी, मतलब बे तीन दिवस चले एम दिवाड़ी बे दिवस पहला स्टार्ट थाय हमें तो छूटी चले ग्राहकी से पॉपअप है, बीडी बॉम्ब है, बराबर आतशबाजी है, कोठी चक्करडी है, पेन्सिल, दोरी, माचिस, बहु वेरायटी है, बड़ी घनी बड़ी वेरायटी है। कम्प्लीट बंद थी गयु है, अमे वेचता भी नहीं बढ़ू, मतलब टोटल इंडियन आइटम वेचता है, चाइनीज आइटम अमे कोई वस्तु राखता नहीं अमे ग्राहकी ने ज बस अमार लास्ट बे दिवस मतलब ग्राहकी आशा हो अमारे, मतलब बदाज मे लास्ट बे दिवस मतलब बदा वेचाण थाय नाना बाळकों माटे पॉपअप छे, पॉपअप आवे छे, पछी पिस्तोल छे, पछी नागोड़ी आवे, माचिस आवे छे कलरिंग, पेन्सिल आवे छे, दोरी आवे छे, नाना बाळकों माटे मतलब बहु वेरायटी छे नाना बाळकों माटे भी। ग्राहकनी आपणे अमार मंदी होय छे मार्केटमां, ने अमार लोकोना पगार नथी थया छे एटले ग्राहकनी जक आवक ओछी छे हमणां। નાના છોકરા માટે પોપઅપ ની આઈટમ છે, ને પછી આવડા તસલાજુ છે, બધી નવી આઈટમ છે એમ લેટેસ્ટ માં હમણાં છે ને આ ગોલ્ડન લાયન છે, ડુક છે, પછી આવી આતશબાજી છે બધા અત્યારે માંગ છે, પોપઅપ ના નાના છોકરા ના માંગ વધારે છે, દિવાળી સુધી માં બધા માલ નીકળ્યા આવે આતશબાજી બધા આઈટમ મોટી મોટી, આપણે ત્યાં બધી એનર્જી નથી, બધા ઇન્ડિયન આઈટમ છે, ને તને ચારા છે, પછી કોઠી છે, ચકડી છે, બટરફ્લાય છે, બોમ્બ છે ને, પછી તુફાન બોમ્બ છે, માર્શલ બોમ્બ છે, ગ્રાહકી ને આશા ગ્રાહક વધારે આવે તો સારું છે એમ, છેલ્લા બે દિવસ વેપારી નીકળે એ આશા છે અમારી એમ। धरमपुर के एक खेत में एक जीव प्रेमी ने एक विशालकाय अजगर को बचाया। धरमपुर तालुका के तिस्कारी गांव में एक विशालकाय अजगर बचाया गया। तिस्कारी तलाट गांव के भोईपड़ा इलाके में राजेश भाई उत्तम भाई ने भोई के खेत में लगभग 25 से 28 किलो वजन का अजगर देखा और काकड़मती के जीव प्रेमी हार्दिक भाई का संपर्क किया। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद अजगर पकड़ने वालों ने राहत की सांस ली। जब सभी जगहों पर खेत में धान की कटाई चल रही हो तो सभी को जागरूकता रखनी चाहिए। वलसाड़ भाजपा द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वलसाड़ में बीजेपी पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं के प्रति दिए गए विवादित बयान के विरोध में भाजपा पार्टी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, जिसमें वलसाड़ के आजाद चौक पर बीजेपी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, जिसमें वलसाड़ जिला भाजपा महिला मोर्चा प्रमुख प्रमीणा बेन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की और नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में वलसाड़ जिला बीजेपी प्रमुख हेमंत कंसारा, वलसाड़ के एमएलए भरत भाई पटेल और बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। જે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે જે મહિલાઓ માટે જે અભદ્ર ભાષામાં જે વાતચીત કરી છે તે બિલકુલ ચલાવી લેવાય એવું નથી, એટલે મહિલા મોરચા વલસાડ જિલ્લા અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જે નીતિશ કુમાર માટે પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ જે અમે રાખવામાં આવ્યો છે તે દરેક મહિલાઓની એક જ માંગ છે કે તાત્કાલિક એમને મુખ્યમંત્રી પદેથી દૂર કરવા જોઈએ એવી દરેક મહિલાઓની ઈચ્છા છે। તો દરેક મુખ્યમંત્રી જે પતિ પત્ની પણ વાત ન કરી શકે તેવી જે અભદ્ર ભાષા જે મહિલાઓ માટે વાપરી છે તે અમારા મહિલાઓ માટે ખૂબ જ દુઃખજનકની વાત છે। પુતળા દહનનો જે કાર્યક્રમ જે છે એ ગઈકાલ માટે ભારત દેશના માટે એક કલંકરૂપ કહી શકાય એવો કિસ્સો બિહાર વિધાનસભાની અંદર બિહારના મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિશ કુમારે મહિલા અને માતૃવંદના ને અશોભનીય રહી અને એમના
માન સન્માનને ઠેસ પહોંચે એવા અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કરીને નારી શક્તિ અને માતૃશક્તિનું જે અપમાન કર્યું છે તેના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબે દરેક જિલ્લાઓની અંદર જિલ્લા મથકે પૂતળા દહનના કાર્યક્રમો કરીને આજે નીતિશકુમાર જે છે એ નીતિશકુમાર મહિલા શક્તિ અને માતૃશક્તિનું જે અપમાન કર્યું છે એના માટે એ માફી માંગે અને રાજીનામું આપે એવું વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી અપીલ કરે છે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी रेलवे रिक्शा स्टैंड से एसओजी टीम ने एक शख्स को देसी पिस्तौल के साथ दबोचा। सिलवासा नरोली रोड पर टेम्पो चालक ने क्रेटा कार को टक्कर मारते तीन लोगों का बचाव, जबकि टेम्पो चालक मौके से हुआ फरार। वलसाड में तंबाकू उधार देने से इनकार करने पर एक दुकानदार ने अपनी आंख गवाई। एक शख्स जो तंबाकू उधार लेने आया था, दुकानदार ने उसे उधार देने से मना करने पर और दो अन्य लोगों के साथ आकर हथौड़े से दुकानदार की आंख फोड़ दी। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।